नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। हमेशा की तरह नवाज शरीफ इस बार भी मुल्क के मसाइल हल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने पर सजा दी गई, अपील का हक भी छीना गया। जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया गया वो बदतरीन मुलजमान से भी नहीं किया जाता। पीटीआई का 4 साल दौर तबाही का दौर था। मजीद कहा कि उस्मान डार की वालिदा मेरी अजीजा और काबिल एहतराम है, वो पहले अपने बेटे से तस्दीक कर लें कि कब गन पॉइंट पर उनसे कुछ कहलवाया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी कायद में तरमीम पर पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। नैयर बुखारी ने खत में लिखा कि फॉर्म 68 में तरामीम पर हमारे एतराज़ात हैं। इस ट्रिक के तहत कामयाब उम्मीदवार को पार्टी के मुकम्मल इंतखाबी अखराजात की तफसील देना होगी। दीगर उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात की तफसीलात 30 दिन में जमा कराना होती हैं। पार्टी उम्मीदवार और दीगर उम्मीदवारों की शराइत में तजाद है। उम्मीदवार पार्टी से मुतालिक फहरिस्त कैसे फराहम कर सकते हैं जो उन्हें खुद ना मिली हो। तजवीज़ करदा शराइत के कॉलम को खत्म किया जाए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज इलाही और बोनस इलाही के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तहारात की मद में गबन का इल्जाम। DGPR ऑफिस का एक मुलाजिम जर हिरासत, 10 को तलबी का नोटिस जारी। दोनों के खिलाफ वादा मुआफ गवाह की तलाश शुरू कर दी गई। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वकला की अडियाला जेल में मुलाकात। कानूनी उमूर और मुकदमात के दिफा के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। अदालती हुकुम पर परवेज इलाही की अहले खाना से भी मुलाकात कराई गई। और बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में फातेहाना आगाज। अफगानिस्तान को पहले मैच में शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मेहदी हसन और नजमल हुसैन की नेक्स्ट सेंचुरियां। उधर दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका मद्दे मुकाबल। जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 200 से ज़ायद रन्स बना लिए।